एवरीवन, वेलकम टू ऑन टिप्स केमिस्ट्री। टुडे विल डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन थर्मोडायनामिक्स। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले आप लोग वो देख कर आएँ, क्योंकि उस वीडियो का काफ़ी यूज़ होगा इस वीडियो के अंदर। सो अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियो देख रखी है या फिर आपको वो कंसेप्ट मालूम है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक्स: आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक एंड आइसोबेरिक। आई होप सबने इनके नाम पहले सुन रखे हैं। आज हम लोग इन सभी प्रोसेसेस को थोड़ा अलग ढंग से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस। ओके, देखिए मैं अभी जो भी एग्जांपल समझाऊंगी वो पिस्टन से समझाऊंगी, ऐसे आप लोगों को आसान रहेगा समझना। ओके, ऐसे हवा में बातें करने से आपको समझ नहीं आएगा कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम चेंजेस। ओके, सो हम लोगों ने वैसे लिया है यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ओके, सो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इट मीन्स कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। हम लोग जितने भी केसेस लेकर यहाँ पर चलने वाले हैं वो सब के सब आइडियल केसेस लेके चलेंगे, एंड आइडियली इंटरनल एनर्जी इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो टेम्परेचर का फंक्शन है, और क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। ओके, सो हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वाली जो वीडियो थी उसमें ये देखा था कि डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। मैं एक उसका पर्टिकुलर केस लेके चल रही हूँ। देखिए वैसे तो जनरल हम ये लेके चलते हैं कि डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस क्यू एंड प्लस माइनस डब्ल्यू। हम लोग वर्क डन कर भी सकते हैं, वर्क डन गैस से भी करा सकते हैं, और हीट सप्लाई भी कर सकते हैं, और हीट इवॉल्व भी हो सकती है। सो इसके डिफरेंट केसेस बनते हैं, लेकिन हम लोग जनरली यही वाला केस लेके चलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों का समझ आ रहा है। हम लोग यही वाला केस जनरली लेके चलते हैं हर जगह पर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने ये वाला केस ले लिया कि डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू तो इसमें क्या रहना है, जीरो रहना है, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। इट मीन्स जीरो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इम्प्लाइज क्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे जो ये माइनस साइन है ये बहुत कुछ हम लोगों को बता रहा है। ओके, इस माइनस साइन का क्या मतलब है कि जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, ओके, जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, वो सारा का सारा यूज़ हो रहा है वर्क डन करने में। मतलब जो हम लोगों ने हीट सप्लाई की उसने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया, बल्कि जो हमारा सिस्टम है उसने उससे वर्क डन किया। सारा का सारा जो हमने हीट सप्लाई किया था वो सब के सब वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, उसने खुद का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। ओके, सो मैं आप लोगों को इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। ये हमारा आइस है, उसका मैंने क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आइस क्यूब है। जब हम लोग आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों ने आइस को हीट प्रोवाइड की, क्यू हीट प्रोवाइड की, अब वो आइस क्या करती है, सॉलिड नहीं रहती, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड वाटर में आ जाती है। ओके, इसका टेम्परेचर भी कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और लिक्विड जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में आया तो उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दिस इज फ्यूज़न प्रोसेस। मतलब सॉलिड आइस ने, सॉलिड वाटर ने हीट लेना स्टार्ट किया, वो डायरेक्टली
पूरा का सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ अभी, थोड़ा अमाउंट उसका लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अब यहाँ पर देखिए, फ्यूज़न प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन जो हम लोगों ने हीट सप्लाई की वो सारा का सारा वर्क डन करने में यूज़ हो गया। यहाँ पर वर्क डन किया है ना, आइस ने वर्क डन किया है, इसने यहाँ पर एक्सपेंशन किया है ना, यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है वो टू फॉर्म लिक्विड। देयर वाज सम वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, दस हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज़ नॉट स्टोर्ड इन इट बट यूज इन डूइंग वर्क, दस फ्यूज़न इज़ आइसोथर्मल। सो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, फ्यूज़न एग्जाम्पल हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया। और साथ के साथ अगर हम लोग यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ भी ड्रॉ करें, प्रेशर और वॉल्यूम का अगर यहाँ पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है, जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, इन दोनों का होता है इनवर्स रिलेशन इफ़ टेम्परेचर इज़ कॉन्स्टेंट। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ओके। और यही हमारा यही जो ये सारी कंडीशन है, यही होता है बॉयल्स लॉ, ओके। आई होप आप लोगों को आइसोथर्मल प्रोसेस समझ आया होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जितना हम लोग हीट सप्लाई करते हैं वो सारा का सारा वर्क डन करने में यूज़ हो जाता है। और अगर हम दूसरा केस लें, ये तो मैंने एक केस लिया था कि क्यू प्लस डब्ल्यू, अगर हम लोग वर्क डन करें वो सारा का सारा किस में यूज़ हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस करने में, वो भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस ही है कि अगर वर्क डन हम करें और हीट इवॉल्व करें सिस्टम, तो टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है चाहे वर्क डन हम करें या गैस करें। अगर हम लोग वर्क डन करेंगे तो हीट इवॉल्व हो जाएगी, और अगर अगर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो वर्क डन गैस कर देगा, तो इस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, देखिए इसके दो एग्जांपल है, एक तो यही हमारा पिस्टन वाला कि हम लोग अगर पिस्टन को बंद कर दें, अच्छे से इसको सील कर दें कि हम लोग इस ये जो पिस्टन है अब मूव नहीं हो सकती, नॉन मूवेबल, ये पिस्टन मूव नहीं हो सकती मीन्स अब इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक क्लोज टेस्ट ट्यूब, अगर हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब को अच्छे से बंद कर दिया, सील कर दिया, अब क्या कर सकती है वो, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता, मतलब उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती ऐसी कंडीशन पर, वॉल्यूम तो उसकी चेंज नहीं होगी लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो सकता है, ओके। सो इस केस में अगर हम बात करें डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू की, अब यहाँ पर हीट का तो हो सकता है हम लोग हीट दे भी सकते हैं, हम लोग हीट ले भी सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर वर्क डन नहीं हो पाएगा, यहाँ पर वर्क डन नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं शायद ये एक बात बोलना भूल गई हूँ कि जो ये वर्क डन होता है इसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज होना ज़रूरी होता है वर्क डन के अंदर, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम हम लोगों को कॉन्स्टेंट कर देंगे, यहाँ पर डेल्टा वी होता है कि अगर चेंज इन वॉल्यूम होगा तभी तो वर्क डन होगा, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं होगा तो वर्क डन होगा ही नहीं, तो वर्क डन इस केस में नहीं होगा, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब जितना भी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो हीट की वजह से आएगा, वर्क डन तो हो ही नहीं सकता वहाँ पे, तो वर्क डन का कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे, तो सारा का सारा डेल्टा यू किसकी मतलब यू के अंदर किसकी वजह से चेंज होगा, क्यू की वजह से चेंज होगा। और ऐसे टाइम पे द हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, है ना, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। देखिए जो ये क्यू है इसको बोलते हैं यहाँ पर क्यू वी, क्योंकि यहाँ पर ये क्यू वी क्या बता रहा है हमें, वी बता रहा है हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो
जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो ऐसे ऐसे केस में जो भी हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में काम आ रही है। ठीक है, अगर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर हम लोग उससे हीट ले लेंगे तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। देखिए, अगर हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू इंक्रीज हो जाएगा, और अगर क्यू हम लोग लेंगे उससे मतलब लॉस्ट हो जाएगी, लॉस्ट बाय सिस्टम, तो डेल्टा यू डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया है। और अगर इसका हम लोग प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करें, प्रेशर और टेम्परेचर का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेयर वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। सो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, और यही होता है चार्ल्स लॉ, और इसी का अगर हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करें, देखिए यहाँ पर प्रेशर क्या है, प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। मान लीजिए वॉल्यूम की वैल्यू ये है लेकिन प्रेशर तो चेंज हो रहा है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पीवी ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, कि प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। आई होप ये ग्राफ भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस मीन्स जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहे और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जिसमें चेंज हो सकते हो। इसका एग्जाम्पल है रिएक्शन इन ओपन वेसल। इसको देखिए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एक है हमारे पास ये कंटेनर जो ऊपर से खुला हुआ है, एक है ऐसा कंटेनर जो ऊपर से क्या है, बंद है। ठीक है, बंद है ये कंटेनर। ओके, सो जब हम लोग इसके अंदर कोई भी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, मान लीजिए हम लोग यहाँ इसके अंदर ना वाटर है, इसके अंदर भी वाटर है, बराबर वाटर लिया है हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने किया है हीट, इसको भी हीट किया और इसको भी हीट किया, दोनों को हम लोगों ने हीट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है पी एक्सटर्नल, वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट है क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इन ओपन कंटेनर पी एक्सटर्नल इज़ फिक्स्ड एंड प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय ईच मॉलिक्यूल इज सेम। यहाँ पर हीट किया तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वेपर बन के बाहर चला गई, तो जो नेक्स्ट लेयर है वो भी सेम प्रेशर फील करेगी जैसा कि इस वाली लेयर ने फील किया था, क्योंकि इनका एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। लेकिन अगर हम इसको बंद कर दें, ठीक है, तो जो पहले वाली लेयर थी वो क्या हो गई, वेपर्स बन के यहाँ पर जमा हो गई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करने से यहाँ पे कंडेंस हो जाएगी वो, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। अब जो अगली लेयर आएगी, जब उसने इवेपोरेट करना होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर फील करेगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर चली गई लेकिन सेकेंड लेयर के लिए प्रेशर बढ़ जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि हमने इसको क्लोज कर रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ओपन कंटेनर है उसके अंदर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और अगर हम लोग उसको बंद कर दें तो वो कांस्टेंट नहीं रहता। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी हम लोग रिएक्शंस ओपन वेसल्स के अंदर करते हैं वो सारे प्रोसेसेस हम लोग आइसोबेरिक करते हैं, एंड जनरली हम लोगों ने लैब में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सभी के सभी आइसोबेरिक हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया। और अगर हम लोग इसका डेल्टा यू वाला फंडा लिखें, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर वर्क डन भी हो सकता है और हीट का लेना देना भी हो सकता है, तो ये ऐसा ही रहेगा। ओके, सो अब ऐसे प्रोसेस के अंदर हम लोग क्यू को डेजिग्नेट करते हैं क्यू पी से, मीन्स हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर,
और इस क्यूपी को ही एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, एंथैल्पी क्या है? हीट सप्लाइड और रिमूव्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन ओपन कंटेनर। ठीक है, ये है एंथैल्पी, इसको एंथैल्पी भी बोलते हैं। आई होप आइसोबैरिक प्रोसेस भी समझ आया। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम लोग इसको कर देते हैं आइसोलेट। दिस इज आइसोलेटेड, मीन्स इसमें से ना हीट जा सकती है ना इसमें हीट आ सकती है, मतलब हीट का लेना देना यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन मतलब क्यू इज़ ज़ीरो ओवर हियर, मतलब या फिर हम लोग कह सकते हैं डेल्टा क्यू इज़ ज़ीरो ओवर हियर, लेकिन यहाँ पर वर्क डन हम लोग कर सकते हैं। वर्क डन इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हम पिस्टन को यहाँ पर मूव कर सकते हैं, हम लोगों ने पिस्टन को फिक्स नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर इसको आइसोलेट किया है ताकि हीट अंदर बाहर ना जा सके। ठीक है, तो वर्क डन इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पर डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू क्यू इज़ ज़ीरो प्लस डब्ल्यू, मतलब जितना हम लोग वर्क डन करेंगे वो सारा का सारा किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बिल्कुल उल्टा है आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या लिखते थे हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने लिखा था कि डेल्टा यू, सॉरी आइसोथर्मल के अंदर नहीं, आइसो कोरिक प्रोसेस के अंदर, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने लिखा था कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या आता था, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता था और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होने की वजह से वर्क डन जीरो होता था। तो यहाँ पर तो वर्क डन जीरो है एंड यहाँ पर क्यू जीरो है, यहाँ पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सारा का सारा वर्क डन की वजह से आएगा, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट की वजह से आएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब हम इसका अगर एक और बात यहाँ पर आती है वो ये कि क्या यहाँ पर इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो सकता है लेकिन हीट की वजह से नहीं, वर्क डन की वजह से। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर तो चेंज होगा ही। ठीक है, डेल्टा यू के अंदर चेंज आ रहा है ना वर्क डन की वजह से, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मीन्स इसको अगर हम लोग पिस्टन को नीचे ले आए तो कॉन्ट्रैक्शन होगा गैस का तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो होगा एक्सपांशन। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो अब अगर आप लोगों को ये चार के चार अच्छे से प्रोसेसेस सारे के सारे समझ आए होंगे, आप लोग इनके ग्राफ्स अच्छे से करके देखना और भी ज़्यादा, और सर्च करके देखना और भी ग्राफ, क्योंकि इनके बहुत सारे ग्राफ्स पॉसिबल हैं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एंड मैनी मोर। सो आप लोग कहीं और से भी इसको ट्राई कर सकते हैं और ग्राफ्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेट गेट में तो शायद नहीं लेकिन जेई मेंस एंड जेई एडवांस के अंदर उन ग्राफ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो उन ग्राफ से ही रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी जेई मेंस एंड जेई एडवांस के अंदर देखे गए हैं कि आप लोगों को प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को ना उसको वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना है। ये आप लोगों का होमवर्क एक्चुअली, कि आप लोगों को ये खुद से चेंज करना है। इससे क्या होगा, आप लोग खुद से सीखेंगे सभी ग्राफ को ड्रॉ करना और आप लोगों को ग्राफ्स अच्छे से समझ आएंगे और सारे प्रोसेसेस इसी ग्राफ से आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसलिए मैं इसको नहीं कराने वाली हूँ, आप लोग इसको खुद से करके देखना। मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ कि आप लोगों को पहले ये पहचानना पड़ेगा कि मान लीजिए ए और बी प्रोसेस है। ठीक है, ए बी प्रोसेस है, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर का यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पहचानना है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ग्राफ के अंदर इस प्रोसेस का क्या बिहेवियर होगा, क्या कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा वो।
मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ, एंड प्लीज़ आप लोग इसको खुद से करके देखना, इसी से आपको सभी प्रोसेसेस अच्छे से समझ आएंगे और ग्राफ्स भी, एंड दूसरे ग्राफ भी आप लोग प्लीज़ ट्राई करके देखना। यहाँ पर ये वाला ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है? ठीक है, तो पी वर्सेस टी के अंदर जो ग्राफ ऐसा दिखता था, जो ए वी प्रोसेस यहाँ पर था, वो वी वर्सेस टी में यहाँ पर होगा। आप लोग इनको पहचान कर लिखना कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, एंड ये कौन सा प्रोसेस है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।